भग प्यारे जंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे जंगल 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 जंगल। दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आपके सामने आज चैप्टर 8 लेक्चर 1 में आ गया हूँ। और चैप्टर 8 जो आज हम अभी करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है स्टेक होल्डर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उम्मीद है कि आपने पहले 7 लेक्चर्स मेरे ध्यान से देखे होंगे। बेटे पहले 7 लेक्चर्स तक जो भी मैंने बताया, जैसे लास्ट लेक्चर 7th मैंने बताया शेयर होल्डर्स राइट्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आज का जो लेक्चर, आज का जो चैप्टर, आज की जो स्टडी है बेटे, उसका नाम है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। मैंने बड़े लेक्चर्स में डिफरेंस बताया, आज फिर बताऊंगा। तो बेटे आज का जो चैप्टर है मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि दुनिया अब शेयर होल्डर्स का नाम धीरे धीरे भूल रही है। बेटे शेयर होल्डर्स की जगह स्टेक होल्डर्स का नाम आ गया। तो आप सभी आज अपनी होश में मेरे साथ चैप्टर नंबर 8 स्टेक होल्डर्स, चैप्टर नंबर 8 स्टेक होल्डर्स राइट्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आइए दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर हम करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए इस चैप्टर के थ्रू आपको बहुत सारी नॉलेज आने वाली है, बहुत सारी बातें समझ आएंगी और बहुत सारी आपको नई रोशनी दिखेगी। ये चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है जो सबके भले की बात करता है। तो आप सभी एक तो पहले रजिस्टर ओपन कर लें, इससे पहले कि मैं बोलना शुरू कर दूं बेटे, फिर मैं रुकता नहीं। तो रजिस्टर खोल लें, मेरी बुक ओपन कर लें बेटे, रजिस्टर खोल लें और मेरी बुक ओपन कर लें। मैं चाहता हूं कि ये कंसेप्ट चैप्टर 8 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, या ऐसा समझ लीजिए स्टेक होल्डर राइट्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ भी बेटे, आगे स्टेक होल्डर लिखते हैं बाद में लिखते हैं, मतलब एक ही है। बुक ओपन कर लें, मैं इस चैप्टर में मुख्य तौर पर 4 कॉन्सेप्ट्स ही कराने वाला हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे 12-13 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस 15 हैं, 14 क्वेश्चंस हैं और बेटे 15 इमेजेस हैं। बड़ी मेहनत से बेटे बुक बनाई, बड़ी मेहनत से आपके लिए चीजें लेकर आया। कहीं ना कहीं एक आशा थी कि आपका समय आपको कम लगे और आप बाकी चीजों में ध्यान दे पाए। मैं ऐसा बादाम रोगन, ऐसा जुमावड़ा, ऐसा शरबत बना दूं कि बस आप पिए और बस पीते जाए। तो शरबतों का है ना बेटे गाना भी है, आइए आइए, मैं मीठे घाट का पानी तू शरबतों का रंग, मैं मीठे घाट का पानी। बेटे देखिए स्टेक होल्डर्स की मैंने इमेज आपके लिए प्रिपेयर की है कि आपके माइंड में आपकी आईज जब इसको देखेंगी कलरफुल स्टेक होल्डर्स की इमेज को, तो जाने अनजाने में आपके माइंड के अंदर ये चीजें बस जाएंगी बेटे, फिर याद करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद रखता हूं कि आप रजिस्टर वन खोल चुके, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप बहुत जबरदस्त पॉजिटिव बैठे इस समय और अपने पेरेंट्स का आपने आशीर्वाद ले लिया। बेटे इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज भगवान से भी बड़ी चीज पेरेंट्स है। बेटे हमारे हिंदू में, मुस्लिम में सब जगह लिखा है कि अगर अल्लाह मियां या भगवान भी खड़े हो और माता पिता भी खड़े हो तो पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए, पहले माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बेटे इस दुनिया में हमें लाने वाली हमारी माँ है। आइए हम उस माँ को नमस्कार करें, हम सब अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लें, उनके आशीर्वाद से मन लगाकर पढ़ाई करें। इस दुनिया में बेटे हर चीज मिल सकती है अगर आपने अपने माता
पिता को खुश रखा, उनकी बातों को माना, उनकी हेल्प की, उनकी बातों का एहसास किया, बस बेटे यही है। वो ज्यादा कुछ थोड़ी मांगते हैं हमारे, हमारे पेरेंट्स यही तो मांगते हैं, बस आप ये दे दो और आप देखो आप भीड़ से अलग हो जाओगे। भले जितनी मर्जी मेहनत कर लो, सुबह से लेकर रात तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, घर में पढ़ो, बेटे अगर आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं लेते, अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करते, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप ये नहीं कहूंगा कि सीरियस नहीं बनेंगे, दो तीन अटेम्प्ट फालतू लगेंगे। तो बेटे एक अटेम्प्ट का मतलब लाखों रुपए होता है। अब आप ज्यादा ना बताएं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बस आप बाकी चीजें छोड़ दें, पेरेंट्स को खुश रखें, उनकी हेल्प करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, मन से दिल तक की रिस्पेक्ट होनी चाहिए बेटा। फॉर्मेलिटी थोड़ी है बेटे पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी करते हैं बेटे। बेटे खुद अचार से, खुद प्याज से, खुद सूखी रोटी खा लेंगे, हमें हलवा, हमें सब्जी, हमें क्या क्या देंगे यार, कभी सोचो तो सही। उनका दिल मत तोड़ना मेरे बच्चे, जल्दी से सीएस बन जाओगे। आओ आओ बेटे, जब तक आप अपने रजिस्टर खोलेंगे, मैं एक बार देखो नया चैप्टर है बेटे, तो आज भगवान को थोड़ा सा याद करना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आह आह आह, नदी का किनारा, भगवान के दर्शन, आरती, नया चैप्टर, पहला लेक्चर, आह पावन 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 है ये समय, पावन है ये समय, पावन है मेरे बेटे, ये समय वापस नहीं आएगा। एक सेकंड के लिए भगवान को देखो, याद करो, याद करो, संगीत में पागल हो जाओ। स्वामी जय जगदीश हरे। मुझे कितना अच्छा लगता है भगवान की बातों को सुनकर, एक 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 संगीत सुन के अच्छा लग रहा है बेटे। सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, एनर्जी आ रही है, फुल फुल पावर। अब करेंगे, अब सीजी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 70 प्लस लेकर आएंगे। आइए आइए, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जीती का माल ओढ़ देंगे। चलिए बेटे, बेटे मैं इस बार ये जो चैप्टर अब शुरू करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि इस बार मैं थोड़ी सी टेक्निक अपनी चेंज कर दूं। टेक्निक इन द सेंस कि मैं आज तक क्या करता आया, आपको पहले चर्चा करता था, फिर मैं अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स लिखवाता था, और फिर अपनी बुक से आपको हाईलाइट कराता था। बेटे याद है यही तरीका आज तक हमने यूज किया, और इस चर्चा में मैं अलग अलग तरह के एग्जांपल्स, अलग अलग तरह के ड्रामे, अलग अलग तरह की बातें करता था। बेटे आज भी, आगे भी यही करने वाले हो, आप घबराइएगा नहीं, लेकिन मैं इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। मैं पहले चाहता हूं कि आप हैंड रिटन ये लिख लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा तो आप ध्यान से सुनते हैं, जो मैं एग्जांपल देता हूं वो तो ध्यान से सुनते हैं और सारी बातों को ध्यान से देखते हैं, लेकिन आप लिखने में कंजूसी कर डालते हैं। पता नहीं बेटे, मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है, आप में से सारे ऐसा नहीं भी करते हो, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा एहसास होता है बेटे। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले लिख लें, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा और फिर बुक से दिखाऊंगा। बेटे चैप्टर 8 में कुछ इस तरह की टेक्निक लगाएंगे, और मुझे फीडबैक जरूर दें आप, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से, कि क्या ये मेथड ज्यादा बेटर है कि आप पहले हैंड रिटन स्लाइड्स को लिख लें, एक आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करूं और फिर हम बुक में जाएं। आइए मैं इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए आपके सामने पहली स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूं, और मैंने चैप्टर 8 स्टडी 8 लिख भी दिया और हेडिंग लिख दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्टेकहोल्डर्स, और स्टेकहोल्डर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेटे कुछ भी लिख ले,
मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहने जा रहा हूँ, मुझे कुल मिलाकर 4 से 5 कंसेप्ट ही कराने हैं। और बेटे इन 4-5 कंसेप्ट में, इन 4-5 कंसेप्ट में मैं 4-5 लेक्चर्स ले लूंगा। बेटे आपको जैसे पता है हर एक लेक्चर में मैं एक कंसेप्ट को कराता ही, फिर मैं बुक से कराऊंगा। बुक में भी 13-14 क्वेश्चंस नहीं है। आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बेटे आपकी स्टडी में, आपके 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 पास्ट ईयर पेपर्स में, आपकी आरटीपी में, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स में, बेटे उन सबको मैंने कंसेप्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसा आपके पास बुक है तो मैंने 5 स्टार्स में से बेटे 5 स्टार्स इस चैप्टर में दिए। 8 से 10 कंबर का सत्र में से आ ही रहा है बेटे, आता ही है। 4 से 5 कंसेप्ट, 5 से 6 लेक्चर। और बेटे मैंने लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप करना। पहली बात, एक्चुअली हम क्योंकि टेक्निक बदल चुके हैं तो मैं बोलूंगा काम पहले आप लिख रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टेक होल्डर। तो मैंने लिखा है बेटे, मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको मेंशन कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ अ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर इज अ पर्सन, एक इंसान है, इज अ पर्सन, इज अ कम्युनिटी, इज अ ग्रुप हु हैज स्टेक स्लैश क्लेम इन एनी एस्पेक्ट हु हैज अ क्लेम और अ स्टेक इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। स्टेक का मतलब है माइंड से और पैसे से। तो मैंने लिखा है स्टेक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ माइंड और स्टेक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसा। पैसा करती है ये, ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ अ स्टेक होल्डर। मुझे नहीं पता स्टेक होल्डर क्या है, बस मैंने जर्मन लैंग्वेज लिखी है। आप चुपचाप पहले जर्मन लैंग्वेज लिख दें, फिर मैं समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है। बेटे हमने टेक्निक चेंज कर दी है, चर्चा बाद में करेंगे। आइए जी, फॉलोइंग इज ब्रॉड 8 एग्जांपल्स। बेटे 8 तरह के मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक आइडिया देने के लिए कि भाई स्टेक होल्डर्स हैं क्या। इंप्लॉइज, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, अब ये 2 S आ गए, ये 2 C आ गए, SSCC, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, वैसे क्रेडिटर्स भी यहाँ लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, 3 C आ गए तो याद करने में आसानी रहती है। CC, यहाँ से क्रेडिटर हटा देता हूँ। इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, 8 बेटे 8 लिखे। इंप्लॉइज, फिर 2 S, फिर 3 C, फिर एक गवर्नमेंट एजेंसी और एक इन्वेस्टर। बेटे ये स्टेक होल्डर्स थे। एक बच्चे को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि कमर उसकी ढीली थी, झुकी हुई थी। वो कहता पता नहीं चैप्टर कौन से शुरू किया और इस बार क्या करा रहे हैं मास्टर, पहले लिखवा रहे। हाँ बेटे इस बार टेक्निक चेंज कर दी है, पहले लिखवा रहा हूँ फिर समझाऊंगा, जिससे कि आप ध्यान से और बैठे और आपको और ज्यादा फायदा हो। तो बेटे मैं पहला पॉइंट लिखवा चुका हूँ, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर मैं दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगा, फिर दूसरे की एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर तीसरा लिखवाऊंगा, फिर तीसरे की एक्सप्लेनेशन दूंगा। बेटे कुछ इस तरह से हम चलते रहेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। भूपेश आनंद बोलती, आप ध्यान से सुनती, सारे लॉजिक्स क्लियर होती, टेंशन लेती नहीं, टेंशन भूपेश आनंद को देती और ध्यान से सुनती। मैं क्या कहती, मैं ये कहती इस दुनिया में आप जब CS बनती, बेटे जब आप CS बनोगे ना, मान लेते हैं आम का नाम है CS रामलाल, मैं आपसे एक बात, एक सवाल पूछूंगा और आपने उस सवाल का आंसर देना है, क्या हम जब CS बनेंगे तो क्या आपको क्या लगता है खाली आपके सेल्फ एफर्ट्स की वजह से बने, मतलब आपने बड़े ज्यादा मेहनत की, आपने रट्टा ज्यादा किया, लॉजिक्स ज्यादा किए, रातें काली की, तो उस वजह से आप CS बने, या और भी बहुत सारे रीजंस हैं इस कायनात में जिसकी हेल्प की वजह से आप CS जल्दी बन गए। मन से सोचिए, मन से, बिल्कुल आज मैं आपके हर किसी के मन में जाकर पूछूंगा
कि रामलाल राम प्यारी तू क्या सोचती है, क्या तू तो आज जो सीएस बन गई और अपने नाम के साथ सीएस राम प्यारी है सीएस रामलाल लगाती है, क्या तू खाली अपने एफर्ट्स की वजह से बनी? ये और भी बहुत सारे एफर्ट्स थे, चाहे छोटे रहे हो चाहे बड़े रहे हो, जो तुमने कभी ध्यान से देखे ही नहीं, सोचे ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। बेटे आज सीएस बन गए हो, आप ध्यान से खाली समय में नदी के किनारे झरना बह रहा हो वहां पर जाकर बैठकर शाम का समय हो, थोड़ा सोचना तो सही। क्या आप खाली मन लगाकर मेहनत कर रहे थे उसकी वजह से सीएस बने, या उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स थे, दूसरों की हेल्प थी, दूसरों की कहीं ना कहीं सपोर्ट थी, तब जाकर बने? तो आपका आंसर पता क्या होगा कि अपने एफर्ट्स तो जरूरी होते ही है बेटे, खुद मरे बिना तो स्वर्ग दिखता ही नहीं, लेकिन उसके अलावा बेटे कुछ आपको अनजानी सपोर्ट मिली, कुछ जानी सपोर्ट मिली बेटे, उस मदद से उस सपोर्ट से ही आप लाइफ में आगे सीएस बन पाए। बेटे जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पेरेंट्स ने आपकी इतनी सपोर्ट की कि आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए उन्होंने कितनी बार व्रत रखा, कितनी बार 40-40 दिन के कोर्स किए और एक भावना के साथ कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को सेट करा, उसका सीएस क्लियर करा, वो अपनी लाइफ में जल्दी सेटल हो। बेटे आपको तो पता तक नहीं लगने दिया उन पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया, यकीन ना हो तो पूछ के देख लेना। बेटे आप ये बताइए, क्या इस सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहती हैं, जिसमें आपके दोस्त, जिसमें आपके रिश्तेदार, जिसमें आपके मोहल्ले वाले, क्या उनकी सपोर्ट नहीं मिली? बेटे मिली, चाहे थोड़ी सी मिली हो बेटे, लेकिन उनकी सपोर्ट भी मिली, उनके ताने मिले कि यार अभी तक सीएस नहीं हुई, क्योंकि उसी टॉन्टिंग ने आपको दोबारा से खड़ा कर दिया और अपने ऊपर दोबारा से आपको गुस्सा आया कि इस बार तो मुझे जल्दी से सीएस कंप्लीट करनी है। तो बेटे वो इनडायरेक्ट सपोर्ट मिली आपको अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने मोहल्ले वालों से। क्या लगता है बेटे, नेचर, ये जो कायनात है क्या इसकी सपोर्ट नहीं मिली? बेटे ये जो कायनात है ना, ये जो नेचर है, इसने आपको ऑक्सीजन दिया, इसने सुबह रात किया, इसने आपको एनर्जी प्रदान की, बेटे इसकी वजह भी, सपोर्ट की वजह से भी आप सीएस बन पाए। तो इसका मतलब ये कहना बहुत गलत है कि आप खाली अपने एफर्ट से सीएस बने, नहीं बेटे ये पाप होगा बिल्कुल इसी तरह से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक कंपनी है अपोलो टायर्स, ऐसे ही बेटे नाम आ गया, मैंने नाम ऐसे ही ले लिया समझाने के लिए। एक कंपनी है रैनबैक्सी, मैं कहता हूं एक कंपनी है एयरटेल, कोई भी बेटे किसी भी कंपनी की बात करते हैं जो आप जानते हैं, या जस्ट डायल या फेविकोल पीडीलाइट, बेटे आप मुझे बताइए ये सभी कंपनीज आज आप जानी पहचानी है और आप इन सभी कंपनीज का नाम जानते हैं, भले इसके कंपनी सेक्रेटरी के बारे में ना बताओ, भले इसके डायरेक्टर्स के बारे में ना बताओ, भले इसके बारे में पूरे प्रोजेक्ट के बारे